लोकसभा चुनाव 2024 इस वक्त अपने चरम पर चार चरण हो चुके हैं पांचवें चरण के अंदर बहुत कम समय रह चुका है तीन चरण छेद बजे जिसमें 20 तारीख को 25 तारीख को और एक जून को मतदान होना है उसके बाद चार जून को सरकार देश के अंदर नहीं बनने जा रही है किस पार्टी की सरकार बनेगी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां पर अर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन के द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन और खास तौर से समाजवादी पार्टी को यहां पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव के बीच में यहां पर एक राजनीतिक पार्टी ने उनके गठबंधन से अपना समर्थन है वो वापस ले लिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव 2024 के बीच इंडिया गठबंधन में यूपी में एक राजनीतिक पार्टी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ते बड़ा दे दिया है कि वो अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश को जीतने जा रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी जो उनके साथ में खड़ी है उनके साथ बदसुल कर रहे उनका सहयोग है वो नहीं ले रहे उनके मान सम्मान का ध्यान नहीं रख रहे ऐसे में वो अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन अखिलेश यादव से वापस लेते हैं यहां पर आपको आपको देखने की कोशिश करें तो महान दल के द्वारा अपना समर्थन पत्र वापस ले लिया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मेरे तमाम समझाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं निकला समाजवादी पार्टी महान दल की लगातार अपेक्षा कर रहा है समाजवादी पार्टी ने महान दल को कोई सीट नहीं दिया फिर भी मैं साथ आया लेकिन महत्व और नाम भी नहीं मिलेगा तो मैं साथ नहीं निभा सकता इसलिए मैं दुखी मन से समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले रहा हूं मानदल का यह कहना है कि अखिलेश यादव हमारी पार्टी का नाम तक नहीं नहीं लेते और हमारे कार्यकर्ताओं को कोई मान सम्मान भी नहीं देते इस वजह से हम लोकसभा चुनाव के अंदर उनसे अपना समर्थन वापस लेते हैं उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है हमारी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है इसलिए लोकसभा का चुनाव हमने नहीं लड़ा विधानसभा चुनाव के अंदर अखिलेश यादव को जरूर सबक सिखाया जाए